जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना चीनू सैदपुर एक बार फिर आपके साथ, चीनू सैदपुर फिजिकल ट्रेनिंग फाउंडेशन मोदी नगर में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा टेरिटोरियल आर्मी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों अब बात करते हैं हम टेरिटोरियल आर्मी भर्ती। देखो बवाल मचा पड़ा है, हम जिस चीज़ पे कार्य करते हैं लगातार करते हैं, क्यों करते हैं दोस्तों, इसलिए करते हैं जिससे कि हम उस कार्य को सफल कर सकें। अब दोस्तों बात आती है कि टेरिटोरियल आर्मी कब आएगी, और आपने ज्ञापन दिया था, आप लोगों ने तो सौंपा नहीं होगा, हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था, और ज्ञापन का क्या रिजल्ट आया है, क्या उसका रिव्यू हमें मिला है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा। ज्ञापन के तरीके से एक हमें जानकारी मिली है कि भाई टेरिटोरियल आर्मी की जो साइट है वो पूर्ण रूप से बंद कर चुकी है अब तक। अब जो टेरिटोरियल आर्मी की एक साइट थी territorialarmygovernment.in वो बंद हो गई है, आप उस पर जाके देख सकते हैं, केवल एक साइट खुली हुई है। अब दोस्तों अब आप लोग विश्वास तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, परंतु हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य लगातार कर रहे हैं, और इस पे हम कार्य अपने तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं, केवल कमेंट्स गलत करने से या बैठ के कमेंट्स करने से कुछ नहीं होता। अपने SDM साहब को ज्ञापन सौंपे, परंतु चलो छोड़ो, मैं बात करता हूँ आगे की कि हम आज हेडक्वार्टर गए, हमारी टीम 3 बंदे हेडक्वार्टर गए, एंट्री कैसे मिली। दोस्तों अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं हेडक्वार्टर में तो आप जाके देख सकते हैं एंट्री आपको कैसे मिलेगी, वो आपके हेडक है। हम बता दें कैसे मिलेगी एंट्री, कि आपके पास अगर RTI है तो एंट्री मिल सकती है, अन्यथा आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों उन्होंने एक जवाब दिया है कि सारा कुछ हो चुका है, उनका जो मेन जवाब है वो जवाब आया है हमारे सामने, जो आया है मेरे सामने यही जवाब आया है जो उन्होंने बताया है। ये बताया है कि भाई कोरोना के आने से जो टेरिटोरियल आर्मी बंद क्यों हुई, बंद इसलिए हुई कि टेरिटोरियल आर्मी में एकदम ज़्यादा भीड़ ज़्यादा जाती है, और भीड़ जाने के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि भाई कोरोना फैलने के, परंतु अब कोरोना जा चुका है, कोरोना जाने के बाद भर्ती नहीं आई है। क्योंकि दोस्तों कोरोना के तुरंत बाद जो अग्निवीर यानी इंडियन आर्मी को अग्निवीर में बदल दिया गया, और इसी तर्ज पे पहले रिटर्न होने के तर्ज पे सभी चल रही थी सभी जॉब में, पहले जो बेल्ट की नौकरी है सभी में पहले रिटर्न होने लगा, तो उसमें भी कुछ थोड़े चांस हैं कि उसमें थोड़े बदलाव किए जा सकते हैं। ये किसी को मालूम नहीं है कि क्या बदलाव होंगे, और जो जानकारी मेन जानकारी मिली है वो जानकारी मिली है कि हेडक्वार्टर से कि दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी की जो फाइल है वो केवल एक फाइल बची हुई है, सारा कार्य समाप्त हो चुका है, केवल एक फाइल बची हुई है जिस पे CDS या CDS के साइन होने हैं, वो फाइल बची हुई है, कल साइन हो जाओ तो कल ही आ जाएगा नोटिफिकेशन। परंतु एक चीज़ और दोस्तों, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, अखबार के माध्यम से बताया है उन्होंने, अखबार के माध्यम से न्यूज आएगी, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, चाहे आने के लिए कुछ भी आ जाए, परंतु जैसा उन्होंने हमें बताया है ऐसा हमने आपको बता दिया। अब आप विश्वास करो या ना करो वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।